हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे वारी के बारे में, जिसने आज सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी। सर्किट खुला, आप में से काफ़ी लोगों ने घबरा कर बेच दिया होगा, और जिन लोगों को बाय करने का मौका नहीं मिल रहा था उनको बाय करने का मौका मिला। आज ऐप का कोई दिक्कत नहीं आया, एमओ ऑर्डर लगाई भी सबके एग्जीक्यूट हो गई होगी, या फिर एमओ ऑर्डर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। सबको मौका दिया आज वारी ने, और साथ में एक धमाका न्यूज़ भी दी है वारी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। क्या है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, वारी जिसने आज लो लगाया था, रोज़ हमें इसी भी एक ही बात बोलनी पड़ती है कि आज कितने पे क्लोज हुआ है अपर सर्किट में, बट आज लो लगाया था 2615 रुपीस तक चला गया था लो में। थोड़ा घबराहट का माहौल हो गया था, आरबीआई गवर्नर के एक स्टेटमेंट ने पूरे मार्केट को हिला दिया, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़बरदस्त गिरावट हुई आज, और होना ज़रूरी भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग चुका था इंडेक्स। तो अभी करेक्शन हो गया तो अच्छा हो गया, कल से फिर से तेज़ी पकड़ेगा तो कल भी वारी का शेयर अपर सर्किट मारेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि और दो अपर सर्किट वारी का शेयर तो मारना ही चाहिए, और कल भी अपर सर्किट मारेगा ऐसा मुझे लगता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डावाडोल हो गया क्योंकि जब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गिरता है तो सभी, आपने देखा होगा वारी के अलावा भी सभी अच्छे भागने वाले शेयर भी आज सब हिल गए थे, फिर से रिकवर हुए काफ़ी शेयर्स, जैसे कि वारी रिकवर हुआ, फिर से अपर सर्किट में क्लोज हुआ, 2871 पे क्लोजिंग दिया। आज वॉल्यूम अच्छा खासा हो गया, 9,76,000 शेयर्स का हुआ, बट आज अच्छा हो गया, सर्किट खुल गया तो जिसको बाय करना था बाय करने का मौका मिल गया। क्योंकि आज मिड कैप इंडेक्स 1.5% गिरा था, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 2% गिर चुका था। अब गुड न्यूज़ क्या है वारी की ओर से, मैनेजमेंट ने 10 मई को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अनाउंस की है उसके साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। एक कंपनी का कन्विक्शन दिखाती है, कन्विक्शन का जो एक कंपनी का जो एक कमिटमेंट है शेयर होल्डर्स के प्रति कि भाई उनको भी कुछ ना कुछ कंपनी की ओर से जाना चाहिए। कंपनी प्राइस का तो अच्छा बेनिफिट दे ही रही है, पर साथ में डिविडेंड भी देने वाली है, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, हेल्दी इंडिकेशन होता है कोई भी कंपनी के बारे में कि कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ये भी बड़ी न्यूज़ आ गई है आज कि कंपनी के ओर से डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है 10 मई को। बस अभी 3 दिन और निकालने हम लोगों को, काफ़ी लोगों को टेंशन होगा रिजल्ट कैसा आएगा, तो यस उसके बारे में भी वीडियो में बनाऊंगा। एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया आज मुझे, बट अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक गुड न्यूज़ आई है, धमाकेदार न्यूज़ आई है, कंपनी डिविडेंड देने वाली है, और टेंशन मत लीजिए कल भी 99.9% अपर सर्किट ही लगेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तेज़ी चल रही है ये बरकरार रहने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स।